दादा नहीं, सदामी लाल। उनके पिताजी का? उनके पिताजी का नाम था चिरंजी लाल। उसके तीरी मारो उसके पिताजी यानी हमारे पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, उनके पिताजी, इतने मारो। ये तो परदादा हुए और उनके पिताजी जी। अच्छा, और दादा के परदादा का नाम? ये इतिहास जो है मैक्सिमम 150 साल का है, आपको नहीं पता। और पूर्वजों का जो फसाव है वो 700, 800, 800 साल, 900 साल, 1000 वर्ष तक का रहता है। इसको पता कौन क्या चीज़ें, पहली बात। दूसरा क्या रहता है कि जो पूर्वज रहे हैं 100 साल पहले, 50 साल पहले, डायबिटीज रहती भी थी तो उनको पता नहीं है कि नहीं। खान पान था, खाए पिए अपना चले गए, ये सब व्यवस्था भी नहीं थी चेकअप में। जब शुगर उगर साफ हो गया, पता शुगर थी कि नहीं, हो जाएगी। ऐसे ही जो समस्या रहती है वो पुरुषों का चली जाती है, लेकिन वो तो रहती है उनके साथ शरीर छोड़ने के बाद, समस्या जाती नहीं। पूर्वज रहता है तो उसकी समस्या रहती है, समस्या रहती है तो आप लोग कितने लगता है, कोई दिखता है बात। तो इसलिए पूर्व की समस्या तो आनी आनी है, उससे तो कोई बच ही नहीं सकता। जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो यही है, मन के रोग है। जैसे डायबिटीज़ है आपका, थायराइड है आपका, ब्लड प्रेशर है, ये सही रोग नहीं है, ये मन के रोग है। आप देखो सुबह आप नापो ब्लड प्रेशर कुछ होगा, 2 घंटे बाद नाप लो कुछ और होगा। शुगर है अभी नाप लो, 2 घंटे फिर नाप लो, अलग मिलेगी। थायराइड अभी नाप लो, शाम को बिल ले लो, अलग मिलेगी। ये मन के रोग हैं और दवाइयाँ आदि खाए जा रहा, असर होता नहीं कुछ। जिंदगी भर दवा खाता है थायराइड की, बीपी की, शुगर की, पूरी जिंदगी। डॉक्टर कहते खाए रहो, क्या दिक्कत है, खाए रहो। अरे भाई ये कोई इलाज है, मरते दम तक दवाई खाते रहो, ठीक भी नहीं हो रहे। कोई उपाय है ये सब जाते हैं खत्म और क्या, जहाँ असर पसर ये वो सब खत्म हुए, खत्म सब। अभी वो डॉक्टर की नौकरी आए थे आज, अभी तो उनका बीपी बहुत बढ़ा रहता था, तो अभी लास्ट टाइम आए थे तो हमने हटा दिया था उनके पूर्व दिक्कत। कह रहे गुरु जी हमारे बीपी तब से ठीक नॉर्मल, मैं 180 तक पहुँच गया डॉक्टर की नौकरी, 170-80 कौन सा 75-80 180। अच्छा सर, इतना भयंकर देखे तो कौन है भाई, मैं जा ही नहीं पाया था। हाँ के बन, पाँच उंगली बोल दो, शुगर नॉर्मल होने लगे, नॉर्मल नॉर्मल रोग थोड़े ना आएंगे, रोग ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। वो रहते कैसे, मन में जो नेपथ्य में जो विचार चला करते हैं बैकग्राउंड में, सब कॉन्शियस माइंड में पीछे विचार चला करते हैं जिनका आपको पता भी नहीं। जैसे आप मोबाइल चलाओ, मोबाइल पीछे मोबाइल में कुछ फाइलें खुली रह जाती हैं तो मोबाइल स्लो चलने लगता है ना। जैसे कंप्यूटर आप चलाओ और कुछ फाइलें पीछे खुली रह जाए तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो ऐसे ही सब कॉन्शियस माइंड में पीछे तमाम फाइलें खुली रहती हैं तमाम लोगों की,
हम सोचते हैं, हम तो सोच ही नहीं रहे किसी बारे में, लेकिन फाइलें खुली हुई हैं, है ना। तो उन फाइलों में अंतर विरोध है आपस में, ठीक है। तो उसके कारण से शरीर का जो हार्मोनल जो सिस्टम है ना, वो दिक्कत करता है, और पूरा जो हार्मोन सेक्रेशन जो है उसमें असंतुलन पैदा कर देता है नेपथ्य, तो उससे शरीर में तमाम रोग दिखने लगते हैं, ऐसा है। और ये समस्या जब डीएनए तक पहुंच जाती है, जड़ हो जाती है, यही ऑटोइम्यूनिटीज में होता है, वो जाकर के डीएनए में सीधे जाके अपनी सुई उधेड़ता है, जो वायरस होता है, वायरस की जो पूछ होती है वो डीएनए में जाकर के इंजेक्ट करता है, और उसकी सुई वहीं टूट जाती है, उसी में रह जाती है, तो प्रोटीन है पूरा, बचा हुआ जो वायरस है उसको बॉडी खा लेती है, तो वो काम ही करता है कि आपके डीएनए को डिस्टर्ब करता है, पूरा सिस्टम गड़बड़ कर देता है, डीएनए गड़बड़ कर देता। लोग मैक्सिमम लोग इसी तरह के झूठे, 70-80% लोग ये सब झूठे, सारे झूठे लोग, पूर्वजों द्वारा दिए गए लोग, चाहे वो जान के दिए जाए पूर्वजों द्वारा, चाहे अनजाने में दिए जाए पूर्वजों द्वारा, वो लोग पूर्वजों द्वारा जो आ रहे हैं, जिनको डॉक्टर कहते हैं हेरिडेटरी है, अनुवांशिक है, उसको बोलते हैं अनुवांशिक, हेरिडेटरी आ गया, जेनेटिक प्रॉब्लम है आपकी। अब उनसे वो जेनेटिक क्या होता है, बाकायदा जेनेटिक साइंस बनाई हुई है, जेनेटिक साइंस में पढ़ाई होती है, उसमें जेनेटिक क्या है, तो उसका हवा हवाई कोरोना की दवा, इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी इस धरती पर बनेगी नहीं, कोरोना या कोई वायरस आ जाए दवाई नहीं बनेगी, रोग है वो मन का, लक्षण दिखता है शरीर पे, शरीर का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, मन दूषित है, रोग बना रहेगा, इम्यून कम होता जाएगा, जब मन खराब है इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब रहेगा। जितने लोग बच जा रहे हैं कोरोना से प्रभावित होने के बाद, इसीलिए बच जा रहे हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक है, जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ है बीमारियों के कारण ध्वस्त है, या उम्र की अधिकता के कारण ध्वस्त है, वो रिकवर नहीं हो पा रहे, वो मर जा रहे हैं, इतनी सी बात है। इम्यून सिस्टम हाई रहे, बूस्ट रहे, जिसके पूर्वज सब विदा हो जाते हैं, पूर्वज गए मतलब रेत चले गए, रेत पहले जाते रोजगार भी जाते, रेत पूर्वज चले गए, उसे कोई वायरस सिस्टम नहीं कर सकता, मार ही नहीं सकता, प्रश्न है क्योंकि आएगा वायरस दिक्कत देगा, लेकिन उसको फैलने का अवसर नहीं मिलेगा, बढ़ने का जो भ्रमित करता है अंदर आके दूसरे हमारे इम्यून सेल को, वो हमारा भ्रमित पूर्वज के द्वारा ही भ्रमित कर रहा है, उसको अंदर सपोर्ट मिल रहा है, हमारा पूर्वज अंदर भ्रमित है, बाहर से जो वायरस आया है तो उसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है कि हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारी सेना है शरीर रक्षक, तो हमारा जो पूर्वज अंदर बैठा है खुद भ्रमित है, वो हमारे इम्यून सेल में तमाम सेल्स को भ्रमित कर देता है, वो जो अंदर वायरस आया है उनके संपर्क में आकर के उनके जैसा बन करके हमारी सेना को उल्टा खाने लगता है, और जब अंदर बैठे नहीं भ्रमित करने वाले, पूर्वज है ही नहीं, रेत है ही नहीं, तो उनको मजबूती मिलती नहीं, वो अंदर घुसे और सेना ने मार गिराया उसको, सेना को भ्रमित करने वाला कोई है नहीं, सेना का राजा जिसका शरीर वही बचता है, खुद बैठा है, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई पूर्वज नहीं, वो तो शरीर अच्छा करना चाहता है, हमारी इच्छा है, और जिनमें रहते हैं जिसका शरीर है उसको तो रखते हैं पैर के अंगूठे में, खुद रहते हैं ऊपर, जिसकी गाड़ी है उसको बांध के डिक्की में डाल देता है आदमी, और बदमाश गाड़ी चला रहा है, ऐसे चलता है शरीर आदमी का, तो गाड़ी पलटे ही गई गई जाती है, हाँ, और अनाड़ी चलाए गाड़ी, ऐसे ही करते हैं जीवन,
पूर्वज जो है अंदर बैठ के भ्रमित करते से और उसको स्प्रेड कर फैला देते पूरी बॉडी में, उसका फ्लेव हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि ये कभी भी दवा नहीं बनेगी, सर के बल खड़े हो, वैक्सीन बनाएंगे क्या करेंगे, कोरोना पहले साहब पे डाल देंगे, पहले वैक्सीन है क्या, वो तो इन्हीं से बनेगी इसी वायरस से, आपसे पहले गुजर दिया। अब तो कह रहे हैं साहब इस वायरस को मारने के लिए इससे एक खतरनाक वायरस बनाया जाए और वो डाल दिया जाए बॉडी में, वो सबको मार लेगा। अब बताइए घर में बिल्ली घुस गई है, कहते हैं सब कुत्ता पालो, ये कुत्ता ला डेंजर कुत्ता, अब कुत्ता खाने लगेगा, अब कुत्ते कैसे मारोगे। हाँ सांप काटने की दवा सांप के जहर से बनेगी, एंटीडोट्स है वो तो उसी से आएंगे। अजय कोरोना वायरस है ये तो लाइव प्रोसेस है ही, ये प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल अप्राकृतिक है, क्योंकि हमेशा समझो जहाँ का वायरस होता है जिस टेम्परेचर पे वो वायरस पैदा होता है, कोई भी हो अमीर लोग जिस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी है, अगर उस टेम्परेचर में हमारी बॉडी नहीं झेल पाई तो मर जाएगी। तो एक तापमान निश्चित है ना, इतने से ज़्यादा तापमान नहीं, इतने से कम नहीं, अगर हो गया तो मर जाऊंगा। तो ऐसे वायरस है जहाँ पैदा होता है प्राकृतिक रूप से, जिस एटमॉस्फेयर में जिस जीव जंतु से वायरस निकलता है, उस जीव जंतु का जो टेम्परेचर को सहने का जो उसका दायरा है, उससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ वो असर नहीं करेगा, पनपेगा नहीं वायरस। और ये वायरस तो हर जगह पनप रहा है, चाहे टेम्परेचर 60 डिग्री हो और चाहे -60 हो, हर जगह पनप रहा है। राजस्थान में देखो पनप रहा है, रेगिस्तान में और ठंडे में चला जा रहा है, लंदन में चले जाओ आल कटा हुआ है आदमी, सर्दी माइनस में है इस समय भी, तो वहाँ भी फैला हुआ है, अमेरिका फैला हुआ है। हाँ तो ये आदमी के द्वारा बनाएगा। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, बता रहे थे टीवी पे कि वो एक कोई नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने HIV की खोज की थी, HIV का जो वायरस था वो उसी ने खोज की, उसने कहा कि निशा वायरस जो है वो लाइव प्रोसेस है, उसने कहा, और उसने बताया कि इस वायरस के अंदर दो तरह का मिक्सिंग है, एक HIV का भी इसमें सम्मिश्रण है और मलेरिया का भी है, दोनों के सम्मिश्रण से वायरस बना है, ये चमगादड़ का तो है ही नहीं लग रहा है, चमगादड़ का लेकिन है नहीं, ये लैब के अंदर इसको क्रॉस किया गया है। अब बताइए वो सही बात है, लैब के अंदर क्रॉस किया गया है, इसीलिए उसमें HIV का भी और इसीलिए उसमें दवा नहीं बन पा रही, एक बात। दूसरा क्या, वो जो उसने कहा कि HIV का मलेरिया का है, इसीलिए हमारे यहाँ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा जो है मलेरिया वाली वो असर कर जा रही है, क्योंकि मलेरिया के इसमें है। हाँ हाँ इसीलिए ठीक हो जा रहा है आदमी ज़्यादातर, लेकिन अब HIV वाला मामला उसको गड़बड़ा जाएगा आगे चल के। HIV का वायरस क्या करता है, आदमी को इम्यून खत्म कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है रेजिस्टेंस पावर है वो खत्म कर देता है, आदमी मर जाता है, कोई रोग हुआ मर जाएगा, बनते गई। इसलिए ये जो मानव का बनाया हुआ, अभी एक का अभी कल मैं सुन रहा था, उसने कहा कि वो भी वैज्ञानिक है जापान का है, वो नोबेल प्राइज विनर है, वो भी उसको भी
पुरस्कार मिला है नोबेल का, उसने कहा कि मेरी बात झूठी, मैं जिंदा रहूं चाहे मर जाऊं, ये कहा उसने, और अगर मेरी बात झूठी निकले तो मेरा नोबेल प्राइज वापस ले लिया जाए, बोला। और उसने कहा कि ये लैब, उसने कहा कि जो वुहान की जो लैब है उसमें मैंने कुछ 4 साल काम किया है, और ये भी उसने कहा कि मैं उस लैब के एक एक कर्मचारी, एक एक आदमी को जानता हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब सब मर गए, सारे मार दिए गए, मर गए, कुछ भी हुआ है, बोले एक भी फोन सक्रिय नहीं है, जितने लोग लैब में काम करते थे सारे पूरी संस्थान में, अब बोलिए इतनी खतरनाक बात, इतनी खतरनाक बात। तो ऐसे भी सब आ रही चीज़ें, हम तो बराबर पहले दिन से कह रहे हैं ये आदमी जो है क्या बनाया हुआ है, और अभी तो ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो ये समस्या भीषण रूप से बढ़ेगी, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो लॉकडाउन इनको बहुत लंबा करना पड़ेगा, है और क्या, लॉकडाउन नहीं किए होते लाखों पहुंच गए होते अब तक, हम 4 लाख हो गए होते, इंडिया है भाई, अमेरिका की आबादी है कितनी, अमेरिका की इतनी बड़ी आबादी अमेरिका की, ये भारत वर्ष है, इतनी बड़ी आबादी, और हम तो कह रहे हैं अपनी प्रदेश की गवर्नमेंट बड़ा कंट्रोल किए हुए, बहुत 25-30 लोग मरे, हम दूसरों के देश देश के सबसे बड़ा प्रदेश देश का 25-30 लोग केवल मरे, वो भी उनमें मरने वालों की संख्या वही जो बीमार थे पहले से, गंभीर बीमारियों के चपेट में थे वही मरे, सब रिकवर हो, बढ़ नहीं रहा है। जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया एक अच्छा की जो हॉटस्पॉट बना दिए, यूपी की योजना थी, उसको बाद में फॉलो कर अपना है मॉडल, हॉटस्पॉट बना दिए जाए, सही था, हाँ सही बनाया, नहीं तो बहुत फैला देते, अच्छा बोलो।